गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज मैं आपको अपने जैविक खेती के बारे में बताऊंगी कि जैविक खेती कैसे की जाती है। तो ले चलो, चलिए फिर अपने खेतों की तरफ और आपको जैविक खेती के बारे में बताऊंगी। लेट अस गो। हिमाचल पहाड़ो राता बटना नगरी मेरी। हेलो फ्रेंड, ये देखो मैंने करेले बीजे थे। करेले भी कितने अच्छे लगे हुए हैं, कितना फैला हुआ है और सब्जी भी अच्छी दिख रही है। करेले हैं, कद्दू है और ये अरबी भी बीजी, अरबी भी लगी है और इधर राजमा भी लगी है। देखो राजमा भी अच्छी लगी है ना। और सेब के पेड़ भी अच्छे हैं और इसी में डालूंगी जैविक खाद अपने पेड़ों में थोड़ा सा, ताकि उसके रूट्स और तने अच्छे मजबूत हो जाए। मेरा बगीचा है, इसमें छोटे बड़े पौधे सभी लगे हैं, फलदार भी है और कई फलदार भी नहीं, छोटे छोटे भी है। और इसमें कई तरह की मैंने सब्जियाँ भी लगी लगाई है। राजमा है देखो, इसमें थोड़े से तो मैंने एक दिन में खाद डाल दी थी, फिर थोड़े से मैं रहे तो मैं चले इसमें आज डाल देती हूँ। मौसम भी साफ रहा तो मैं सोचा आज डाल ही देती हूँ इसमें। तो दोस्तों मैं अपने आपको अपने खेती के बारे में, खाद कैसी डाली जाती है, कैसी खेती की जाती है और इतनी फसल के लिए हम कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना करते हैं, कैसी कैसी मेहनत करते हैं। ये देखो मेरी मक्की, वहाँ कितनी अच्छी मक्की लगी है। मैं आपको मक्की खिलाऊंगी, हम पक जाए, अभी कच्ची है तो मैं आपको मक्की भी खिलाऊंगी। ये देखो राजमा भी क्या है, शीत दोस्तों। ये देखो मेरी राजमा फसल तैयार है और अगर मौसम रुक गया तो राजमा जल्दी पक जाएगी, पर बरसात ने इस बारी अति कर दिया ना, तो फसल स्टैंड के लिए वो राजमा पक गई। की भी अच्छी लगी इसमें, देखिए भीतर भी देखो दोस्तों, यहाँ ये है मेरे कीवी का पौधा और इसमें देखो कीवी लगी है जो कि इस टाइम मार्केट में बहुत महंगी है। ये तो मुझे लगता है 50 रुपीज़ के पर पीसेस मिलता है, तो मैं आपको अवश्य खिलाऊंगी जब ये पक जाएगी। तो ये हमारा कीवी का पेड़ है, इसमें कीवी बहुत सारी लगी है। ये देखो इधर से भी कीवी लगी है, सारे में कीवी बहुत लगी है। तो अब इसको निकालने का समय आ गया, तो इसको मैं निकालूंगी एक दिन और इसको थोड़े टाइम के लिए इसको पकने के लिए रखना पड़ेगा। वैसे पकती है, अगर ऐसे नहीं निकलती ऐसे तो खत्म, चिड़िया खा लेती है इसको। तो मैंने सोचा 2-4 दिन रख लेती हूँ, थोड़ा मौसम गर्म हो जाए फिर इनको उतार दूँगी। शुभला क्या रो राधान रे, आए गाओ प्रेम रे गुरु खोदी, मेरा हिमाचल पहाड़ो राताज बंठना नगरी मेरी। हो मेरा हिमाचल पहाड़ो राताज बंठना नगरी मेरी। दोस्तों ये देखो मैंने जैविक खाद डालने के लिए ना नाली बनवा दी है और इसमें नाली में ना बड़े पेड़ में तो एक डब्बा पड़ेगा, बड़े पेड़ में एक डब्बा डालूंगी और छोटे में हाफ हाफ डालूंगी। तो इसके साथ में इसमें ये जैविक खाद इसको डालूंगी और बड़े पेड़ के लिए तो ठीक है 1 किलो का। ये देखिए
तो ये हमें, इससे हमारे रूट्स भी मजबूत रहते हैं, जड़ें भी मजबूत रहती है, और इसके लिए खुराक है। तो ये दो, इससे हमारे सेब की पौष्टिकता मिलती है और जड़ें मजबूत हो जाती है, फसल अच्छी होती है, जिस कारण हम इतने लालच में आते हैं कि फसल अच्छी हो, मेहनत हो, इसमें उर्वरकता की शक्ति ज़्यादा हो, तो सो इसीलिए हम ये खाद डालते हैं। और पेड़ भी मजबूत हो, ऐसा नहीं कि एक बार फसल खा ली तो नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं, पेड़ भी मजबूत हो ताकि जब तक पेड़ है तब तक फसल है। दोस्तों ये देखो मेरा जापानी फल है, इसमें कितने लगे हैं जापानी फल, परसिमन, जैसे कि परसिमन भी कहा जाता है। तो फसल इसकी भी इस बार अच्छी है, जब पकेंगे तो खाने में ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, लगे इस बार अच्छे, इसमें फसल ठीक है, पर अभी हरे हैं लगे घर बथेरे। तो मैं आपको इसके बारे में जब पक जाएंगे मैं तभी इसकी फसल को बताऊँगी भी कैसे पकते हैं, कैसे होते हैं खाने के लिए, टेस्टी होते कि नहीं, बोलो। ये देखो दोस्तों, ये ना इस साथ में मैं मल्चिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि जैसे पेड़ के चारों तरफ घास होता है ना, इसको निकाल के इसी में डालना, ये भी खाद का काम करती है। तो मैं सोचा आज मौसम साफ है, खाद भी डाल दूँगी और मल्चिंग भी कर दूँगी, एक पान दो काज हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें खाद एक मल्चिंग भी कर रही हूँ ताकि पौधे की जड़ें साफ हो सके। ये देखो, और दोस्तों ये पता क्या, हमारी एक दो ड्रेस है, मैंने अपने ड्रेस के बारे में पहले आपसे जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारे खेत में ना घास बहुत होता है और खेतों में कीड़े बहुत होते हैं, इसीलिए पहले हमारा अपना ड्रेस, सबसे पहले ड्रेस में आता है शूज़, पहले हमारे को शूज़, बंद शूज़ इसको लगा के खेतों में जाना है, इससे पहले तो खेत में नहीं जा सकते, घास भी होता है, कीड़े भी होते हैं, तभी जा सकते हैं, ऐसे तो नहीं जा सकती। हमने सबसे पहले यही डाले, मैंने चल खेत में जूते डाल के ईजिली चल सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको अपने खेत की विजिट करा दी है, जितनी मेरे से हो सके मैं अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करी है, और अगर कहीं आपको पसंद ना आई हो तो आप काश इसे मुझे प्रोत्साहित और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ताकि मैं आगे भविष्य में इससे ज़्यादा आपको बता सकूँ, आपसे कुछ सीख सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।